hi everyone a very good morning to all of you as you all know that we had started chapter 12 from your english reader course book in which we had studied about mission clean india so today we will be continuing with the reading of same chapter and finish it okay so let's get started good morning cleanliness. ओपन डेफिकेशन इज़ अ कॉमन साइट इन रूरल इंडिया डेफिकेशन मीन्स टॉयलेट ओपन में टॉयलेट जाना रूरल इंडिया मतलब इंडिया के अंदर विलेज़ में आजकल ये चीज़ आम अभी भी देखने को मिलती है इन मैनी विलेज बहुत सारे विलेज़स में दिस हैज़ कंटीन्यूड ये चीज आज भी कंटिन्यू है डिस्पाइट द बिल्डिंग ऑफ टॉयलेट्स हालाँकि हर घर में टॉयलेट बनी हुई है फिर भी द लिटल हैमलेट ऑफ बैकिनेक्री इन कर्नाटका फेस द प्रॉब्लम फॉर डिकेड्स हेमलेट इज अ वेरी स्मॉल विलेज तो बैकिनेक्री जो कि एक बहुत ही छोटा सा विलेज है कर्नाटका के अंदर वो बहुत सालों से डिकेट्स मतलब ओवर द ईयर्स मोर देन टेन ईयर्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है अनटिल द विलेज एल्डर्स फाउंड एंड अन यूजअल एंड इनोवेटिव वे टू डील विद द प्रॉब्लम एंड टीच विलेजर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूजिंग टॉयलेट्स कि उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को तब से फेस किया है जब तक कि गांव के बड़ों ने विलेज एल्डर्स फाउंड एंड अन यूजअल एंड इनोवेटिव वे तो उन्होंने एक इनोवेटिव तरीका इस चीज़ का नहीं ढूंढ लिया इस प्रॉब्लम से डील करने का उन्होंने क्या किया उन्होंने विलेजर्स को गाँव वालों को टीच किया एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द यूजिंग टॉयलेट कि टॉयलेट यूज़ करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं विद अ सिंपल गुड मॉर्निंग कैसे एक सिंपल गुड मॉर्निंग से द विलेज एल्डर्स आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स फॉर्म द टीम दैट गैदर्ड इन द वी आर्स ऑफ द मॉर्निंग सो विलेज के जो एल्डर्स थे बड़े थे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो थे और वॉलंटियर्स जो थे वॉलंटियर्स आर द फ्री लांसर्स मीन्स जो अपनी इच्छा से काम करते हैं अपने विल से काम करते हैं फॉर्म द टीम उन्होंने एक टीम बनाई इन सबको मिला करके दैट गैदर्ड इन द वी जो कि इकट्ठे होते हैं इन द वी आर्स वी आर्स मतलब द फर्स्ट फ्यू आर्स आफ्टर मिड नाइट दिस टीम वुड वॉक अप टू फेलो विलेजर्स गोइंग अबाउट देयर अर्ली मॉर्निंग बिजनेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स द फील्ड एंड विश देम गुड मॉर्निंग सो ये जो टीम थी आंगनबाड़ी वर्कर्स की वॉल्टियर्स की और विलेज एल्डर्स की वुड वॉक अप जाती है टू फॉलो विलेजर्स गोइंग अबाउट देअर अर्ली मॉनिंग बिजनेस अपने अर्ली मॉर्निंग बिजनेस के साथ एंड वॉकिंग टू वर्ड्स और कहाँ जाती है द फील्ड एंड विश दैम गुड मॉर्निंग मतलब खेतों में जहाँ पे वो लोग जाते हैं और उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं द एक्सरसाइज डिड नॉट एंड विद दिस ये चीज यहीं ख़त्म नहीं होती है द ग्रुप वुड टॉक टू दिलेजर्स उसके बाद में जो ये ग्रुप था वॉल्टियर्स का और आंगनबाड़ी वर्कर्स का और विलेज एल्डर्स का ये उन लोगों से विलेजर्स से बात करेगा वैन द रिटर्न आफ्टर देअर मॉर्निंग रिचुअल अबाउट द नीड ऑफ क्लीननेस जब वार्निंग के बाद में वापस आएंगे एंड अनकर दैम नॉट टू डेफिकेट इन द ओपन और उनको वो विश करेंगे कि वो ओपन में डेफिकेट के लिए ओपन में टॉयलेट ना जाया करें स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो कैरिड प्लाकार्ड्स एडवाइजिंग पीपल अबाउट द नीड टू कीप द विज क्लीन एंड द एयर फ्री ऑफ बैक्टीरिया तो स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी प्लाकार्ड्स ले रखे थे प्लाकार्ड्स आर द अनाउंसमेंट कार्ड्स एडवाइजिंग पीपल जिसमें वो लोगों को एडवाइज़ करने वाले थे अबाउट द नीड मतलब कि हमें अपने विलेज को क्लीन रखने की क्यों जरूरत है और ताकि हमारी जो एयर है वो बैक्टीरिया फ्री रह सके ऑल दो इट वॉज ट्रीटेड एज अ जोक इन द बिगनिंग हालांकि लोगों ने इसको बिगनिंग में एक मजाक समझा द विलेजर्स वर टू एम्बेरेस्ड बाई द ग्रीटिंग्स टू कंटिन्यू अलॉन्ग देअर पाथ बट फिर भी जो गाँव वाले थे उन्होंने मतलब उन्होंने उनको बहुत एम्बेस फील हुआ बाय द ग्रीटिंग्स टू कंटिन्यू अलॉन्ग देयर पाथ ग्रेजुअली दे केम अराउंड टू द आइडिया ऑफ यूजिंग टॉयलेट्स एंड कीपिंग देयर सराउंडिंग्स क्लीन बट बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उनको टॉयलेट्स को यूज करना चाहिए और अपनी सराउंडिंग्स को एकदम नीट एंड टाइडी रखना चाहिए टूडे विद द हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन आज गवर्नमेंट और बाकी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के साथ में बैक इन एक बोस्ट ऑफ क्लीनर फील्ड एंडर टॉयलेट इन मोस्ट हाउसेज जो बैकिनेक्री जो है वोस्ट ऑफ क्लीनर फील्ड्स एंड अ टॉयलेट इन मोस्ट हाउस अब वहाँ पे जो है ये जो एरिया है ये जो हैमलेट है ये वहाँ का एक क्लीन एरिया बन चुका है और वहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में अब एक टॉयलेट भी है द ओल्डेस्ट स्वच्छ भारत वेरियर वन ऑफ द ओल्डेस्ट वोमेन इन इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट वीमेन इन इंडिया वन हंड्रेड सिक्स ईयर ओल्ड कुंवर बाई फ्रॉम कोताबरी विलेज इन धमात्री छत्तीसगढ़ बिकेम द मैस्कोट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान मैस्कोट मीन्स अ पर्सन दैट्स इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इवेंट या फिर किसी कैंपेन से एसोसिएटेड होता है जुड़ा हुआ होता है सी शी इज़ कुंवर बाई ये कोताबरी विलेज से हैं धमात्री में छत्तीसगढ़ में हैं जो कि तो वो एक उन्होंने भी एक क्लीन इंडिया मिशन के लिए एक कैंपेन चलाया वन शी वॉज वेन शी वॉज फेलिसिटेटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर फॉर हर एफर्ट्स इन मेकिंग हर विलेज ओपन डेफिकेशन फ्री तो प्राइम मिनिस्टर ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट कौन, किया था किस लिए फॉर हर एफर्ट्स उसके एफर्ट्स के लिए उसने एफ़र्ट्स किए किस चीज़ के लिए टू मेक हर विलेज अपने विलेज को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए कि वहाँ पे ओपन में लोग टॉयलेट नहीं जाते हैं फॉर मोर देन अ सेंचुरी लाइक द अदर विलेजर्स कुंवर बाई यूज टू गो टू अ जंगल नियर बाई टू रिलीव हर सेल्फ रिलीव हर सेल्फ शी डिड नाट नो वट अ टॉयलेट वॉज अंटिल शी हर्ड अबाउट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल हु विजिटेड हर विलेज कि सौ साल से भी ज़्यादा मतलब ये टाइम हो चुका था लाइक अदर विलेजर्स जैसे कि बाकी के विलेजर्स ओपन डेफिकेशन के लिए जाते थे तो कुंवर भाई जो थे वो भी बाहर ही जाते थे शी डिडेंट नो उनको पता भी नहीं था कि टॉयलेट जैसा भी कुछ होता है जब तक तब तक उन्हें नहीं पता था जब तक उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से जब उन्होंने मतलब कि उनकी तरफ से उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चला हु वेस्टेड हर विलेज मीन्स जब गवर्नमेंट गौर्मे, ऑफिशियल्स के कुछ ऑफिसर ने वहाँ पे विजिट किया सर्वे किया वहाँ पे एक तो उससे पहले तक कुंवर बाई को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था उनको पता ही उस टाइम पर लगा टॉयलेट के बारे में शी इमीजिएटली रियलाइज तो उनको उसी टाइम पे रियलाइज़ हुआ इट्स इम्पॉटेंट एंड न्यू शी हैड टू हैव अ टॉयलेट इन हर होम और उन्हें लगा कि उनके घर में भी एक टॉयलेट होनी चाहिए शी डिट है मनी उनके पास पैसे नहीं थे सो शी सोल्ड ऑफ अर गोड्स तो उन्होंने अपनी बकरियाँ बेच दी द ओनली सोर्स ऑफ हर इनकम जो कि उनकी इनकम का सोर्स था टू गेट टू टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड इन हर होम ताकि वो अपने घर में दो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवा पाए देन शी कोल्ड द विजर्स होम तब उन्होंने विलेजर्स को अपने घर पर बुलाया एंड टोल्ड दैम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ टॉयलेट और फिर उनको उन्होंने घर में टॉयलेट होने के बेनिफिट्स के बारे में बताया एंड मोटिवेटेड दैम टू गेट टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड इन दियर होम्स टू और उनको भी बताया कि अपने अपने घरों में वो टॉयलेट बनवाएं और इंटरनेशनल वीमेंस डे एट मार्च इन 2018 थाउजेंड एटीन द प्राइम मिनिस्टर पोस्टेड ऑन ट्विटर तो वेमेंस डे वाले दिन एट ऑफ मार्च को टू थाउजेंड एटीन में प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर में पोस्ट किया था शी इंस्पायर्स मी कोवर बाई कि उन्होंने मुझे वो मुझे इंस्पायर करते हैं वो मुझे इंस्पायर करती हैं कुंवर बाई डाइड अर्लियर दिस ईयर एट द एज ऑफ वन हंड्रेड सिक्स जो कि एक सौ सात छः साल की उम्र में गुजर गई थी उनकी डेथ हो गई थी हीलिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ शी सोल्ड हर गोड्स इन ऑर्डर टू बिल्ड टॉयलेट्स उन्होंने अपनी बकरियां बेच दी थी टॉयलेट्स बिल्ड करने के लिए हर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ स्वच्छ भारत अभियान के नेवर बी फॉरगोटन की मिशन क्लीन इंडिया में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इसके लिए हम उनका जो मतलब कि कंट्रीब्यूशन है उसको हम कभी नहीं भूल सकते आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय हर नोबल जेस्टर तो नोबल जेस्टर होता है एक काइंड डीड मतलब उन्होंने जो ये काम किया है उसके लिए इस चीज़ ने हमें बहुत ही डीपली इंस्पायर किया है